गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंटी ग्लेयर और ब्लू कट लेंसेस के बारे में। ब्लू कट लेंसेस के ऊपर मैंने एक और एपिसोड में आ जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लू कट लेंसेस एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा गाइस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के, ठीक है, वो लाइट्स जो ह्यूमन आई को दिखाई देती है। एक्चुअली सारे कलर्स और सारे लाइट्स हमको दिखाई नहीं देते, हमारा ब्रेन यार हमारे ब्रेन का एक पार्ट कलर्स को परसीव करता है। जैसे स्काई हमको ब्लू कलर का ये नीले रंग का दिखाई पड़ता है, एक्चुअली क्या स्काई नीला होता है? नहीं, वो एक्चुअली होता है कुछ एनर्जी और कुछ वेवलेंथ के कारण। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले एंटी ग्लेयर लेंसेज के बारे में। एंटी ग्लेयर लेंसेज जैसे मैंने आपको समझा दिया था मेरे पिछले एपिसोड में, वो लेंसेज होते हैं जो ग्लेयर को एलिमिनेट करते हैं फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक। मतलब क्या, इससे क्या होता है, ग्लेयर एलिमिनेट होने से आपको प्रॉपर हेल्दी लाइट ट्रांसमिट होता है, मतलब आपकी आंखों तक पहुंचता है और ग्लेयर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका विजुअल जो एक्विटी होता है, मतलब देखने की जो आंखों में क्षमता होती है, खासकर लो लाइटिंग कंडीशन में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की है, क्या वो आई प्रोटेक्शन देता है एंटी ग्लेयर लेंसेज? नहीं, वो आई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अभी अगर ग्लेयर को कोई लेंसेज एलिमिनेट करता है तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि प्रॉपर हेल्दी लाइट तो आपको मिल जा रहा है देखने के लिए, और दूसरा फ़ायदा ये है कि लो लाइटिंग कंडीशन में आपको ज़्यादा वाइट लाइट्स प्रोवाइड होंगी, ठीक है, आपकी आंखों को, सो दैट आप अच्छे से देख पाए। लेकिन ब्लू कट लेंसेज का काम क्या होता है? ब्लू कट लेंसेज का काम होता है हार्मफुल ब्लू लाइट्स को ब्लॉक करना। अभी देखिए लाइट्स का कुछ जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेस होता है उसी का एक पार्ट होता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम ही हम समझेंगे क्योंकि आँखों के लिए वही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में हर एक कलर का कुछ वेवलेंथ होता है, ठीक है, और जिस कलर का सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होता है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। आप सिंपल टर्म्स में ऐसा कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। तो क्योंकि ब्लू और जो पर्पल लाइट होता है, एक्चुअली पर्पल ब्लू लाइट ही कैटेगरी में पड़ता है आप कह सकते हैं। ऐसे साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो पर्पल का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, लेकिन वो ब्लू लाइट उसके बाद आता है ब्लू लाइट, लेकिन वो ब्लू लाइट के साथ ही आप उसको मिक्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है गाइस वो होता है 380 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक। तो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे खतरनाक एनर्जी होती है इसी लाइट में, ठीक है। मतलब जो 380 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक इस रेडार पे, ठीक है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के इस रेडार पे जो भी कलर्स आते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। तो इस वेवलेंथ में आते हैं पर्पल या ब्लू लाइट, या आप ब्लू लाइट ही कह सकते हैं इन सिंपलर वर्ड्स, जो कि एमिट होता है आपका कंप्यूटर से, डिजिटल स्क्रीन से, ठीक है, और यूवी रेज से भी, ठीक है, क्योंकि यूवी रेज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में नहीं आता, ठीक है, हमको अल्ट्रावायलेट रेज दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी ब्लू लाइट एमिट करती है, ठीक है। तो उससे भी आपको ब्लू कट लेंसेस पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे देता है। अब बात करते हैं मुद्दे की, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। देखिए ब्लू लाइट को अगर कोई लेंसेज ब्लॉक कर पा रहा है तो इसका मतलब है फ्यूचर पे आपको जाके कैटरेक्ट नहीं होगा, आपको आईज रिलेटेड कोई भी बड़ा बीमारी होने से आप पहले ही उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, देखिए गाइज हम हमारा हैबिट होता है कि बेसिकली हम रात के टाइम पे ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, डिजिटल स्क्रीन्स पे हम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या हम जैसे यूट्यूबर्स, ठीक है, हमको डिजिटल स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, और वैसे भी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो गाना वगैरह तो हम सुनते ही हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि मोबाइल से ब्लू लाइट एमिट होती है, ठीक है, जिससे आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है और वो डैमेज भी पहुँचा सकता है आँखों को इन लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने कहा कि इसका वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होने के कारण इसका जो एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आँखों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकता है। और मेलाटिनिन नाम का एक हार्मोन होता है, ठीक है, जैसे ही आप रात को सोने जाते हैं तो वो हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। वो बेसिकली एक सिग्नल की तरह काम करता है कि भैया चलो अपना काम वाम निपटा दो, अब सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है, ठीक है, अब मोबाइल रख दो साइड पे और इट्स टाइम टू स्लीप, ये वो हार्मोन इंडिकेट करता है। लेकिन क्या होता है, ब्लू लाइट जैसे ही हमारे आँखों पर ट्रांसफ़र होता है, खासकर वो रात को ज़्यादा ये होता है ना, मतलब डिजिटल स्क्रीन से ज़्यादा एमिट होता है, क्योंकि घर के लाइट वाइट ऑफ करके हम बंदों का काम है ना, चादर ऊपर से डाल ली और बस टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी बंदी से बात कर रहे हैं, तो ऐसा
क्या होता है उस समय, तो ब्लू लाइट का जो रेडिएशंस है वो काफ़ी हमारे आंखों पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और उससे क्या होता है जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है वो धीरे 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 घटता रहता है, उसका प्रोडक्शन घटता रहता है, और हमारे आंखों को ये सिग्नल मिलता है कि भैया आप जाग ही रहो, ठीक है, अभी रात हुई नहीं है, बेसिकली सोने का टाइम है नहीं, तो आप जाग कर आराम से अपना काम करते रहो, ठीक है। तो ब्लू हार्मफुल ब्लू लाइट को अगर कोई लेंस ब्लॉक कर सकता है और हम उस चश्मे को पहन के अगर अपना काम करें तो डेफिनेटली ये हार्मोन जो मेलाटोनिन है ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ, या आप ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ब्लू लाइट ज़्यादा आपकी आंखों में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इसीलिए आपकी आंखों को प्रोटेक्शन रहेगा और सही टाइम पे जाके आपको नींद आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो एक ब्लू कट लेंसेज आप ज़रूर बनवा लीजिए अगर आप डिजिटल स्क्रीन पर ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं। आप छोटा सा एक डेमो देख लेते हैं, उसके लिए मेरे को अपने थोड़ा भाई को आवाज़ दे देना पड़ेगा क्योंकि सिंगल हैंडेडली मैं दिखा नहीं सकता। राहुल थोड़ा इधर आ, देखिए मैंने उसका आवाज़ दी, अभी आ रहा है, बंदा काम कर रहा है। एक्चुअली आई एम एन ऑप्टिशियन, तो अभी काउंटर पे किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा। अभी ये मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऐसा होता है, ऐसा एक टेस्टर मिलता है, तो सबसे पहले मेरे को ये दिखाना पड़ेगा। देखिए यूवी टेस्टर है, यूवी टेस्टर से मैंने ये टेस्टिंग मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है। लाइट ऑफ कर देता हूँ, लाइट थोड़ा ऑफ कर दे। लाइट ऑफ करने से क्या है गाइस, आपको ये प्रॉपरली दिखाई देगा, ठीक है। देखिए लाइट पूरी इधर से ऑफ हो गई, अब देखिए ये है, और जैसे ही मैं ये लेंस लगाता हूँ ये एकदम छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर रहा है। अब ये तो काफ़ी मैं सामने से इसको टेस्ट कर रहा हूँ, इतना हैजार्डियस होता नहीं है, इतना डायरेक्टली आपकी आँखों पर लगने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इतनी हद तक इस लाइट को ब्लॉक कर पा रहा है तो ये यूवी है, यूवी भी 400 प्रोटेक्शन भी देगा। अब यूवी है, यूवी भी जो प्रोटेक्शन होता है ये भी मैं आने वाले दिनों में अपना कवर करूँगा, ठीक है, कि क्या होता है ये सब चीज़, कैसे आंखों को डैमेज करता है। तो आज के लिए मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चश्मा पहनते हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि घर पे कोई ना कोई तो चश्मा पहनता होगा यार, तो उसको ये वीडियोस दिखा देना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए। और चश्मे से रिलेटेड मैं सारा आपको गाइड करता रहूँगा, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज करना, तुम्हारा ये भाई ज़रूर तुमको रिप्लाई करेगा, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस देगा। कोई भी ऑप्टिशियन तुमको बेसिकली है ना बना नहीं सकता, उल्लू नहीं बना सकता जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, हैव अ नाइस डे, एंड अपने आँखों का बेहतर ख्याल रखिए, चलिए।